मिस्ट एंड वेन यू वॉन्ट समथिंग ऑल द यूनिवर्स ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट शिद्दत कायनाथ टूडे इज थर्टी ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट इस क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चन के आंसर हैं दर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैस है अरुंधति रॉय मैम विश्व मित्रा नाम है गुजरात बैंक ऑफ रिवर वडोदरा वडोदरा विश मित्रा रिवर के बैंक पर लोकेटेड है कॉन्फेडरेशन कप है फुटबॉल के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था मैटर कैन बी कन्वर्टेड इन एनर्जी यह फॉर्मूला होता है फेरानाइट टू सेंटीग्रेड जैसे सेंटीग्रेड से हमें फेरानाइट में कन्वर्ट करना है तो दिस टी इंटू वन पॉइंट एट प्लस थर्टी टू फाइव बाई नाइन इसमें अगर माइनस फोर्टी वैल्यू आप डालो सपोज दिस इज माइनस फोर्टी ये माइनस फोर्टी है ये माइनस फोर्टी इंटू वन पॉइंट एट प्लस थर्टी टू होगा माइनस फोर्टी इंटू एट अठारह चौक सेवेंटी टू माइनस सेवेंटी टू प्लस थर्टी टू दैट इज इक्वल टू माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी तो माइनस फोर्टी वो वैल्यू है जिसपे फेरानाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों सेम हो जाते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर डेप्थ ऑफ ओशन द आंसर इज पैथोमीटर सो ये आंसर्स हैं ये स्टडी क्वेश्चन के आज के सवाल हैं इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है विच ऑल स्टेट से स्टेट्स का नाम बताइए ये एटी टू एंड हाफ डिग्री किन स्टेट से पास हो रहा है द स्टेट विच विद चाइना चाइना के साथ कौन से स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं द न्यू न्यूवियल डिपॉजिट फाउंड इन द गैंगेटिक प्लेन ये गैंगेटिक प्लेन है रिवर्स सेडिमेंट्स लाती है और नए डिपॉजिट्स अलूवियल डिपॉजिट्स उनका नाम क्या है पालघाट घाट भोरघाट पालघाट पालघाट ज्वाइन करता है किन दो स्टेट्स को लेक मानसरोवर है यहां से तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स निकल रही है नाम बताइए ऑल दीज थ्री रिवर्स के साका इरा का जो पहला मंथ होता है उसका नाम क्या है द फर्स्ट मंथ ऑफ साका इरा सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज हम पढ़ेंगे चाइना नॉट फॉर डाउन स्ट्रीम डैम ऑन ब्रह्मपुत्र चाइना अब डाउन स्ट्रीम ब्रह्मपुत्रा पे भी डैम बना रहा है कॉज ऑफ वरी

ऐसा तो नहीं कि ये सारे एक स्कैम है हॉक्स है देन द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म दिस इज डेटा पॉइंट रेसेशन अंडर वाइट कवर दिस इज गोल्डन एग डोंट हार्म द कूज दैट ले द गोल्डन हैग इकोनॉमिक्स एंड दिस इज अ वेरी गुड न्यूज नाइनटी फिट का इको ब्रिज बनाया है दिस नैनीताल हाईवे में कोल्डर विंटर रीजन और आज हम मैप देखेंगे पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल नागालैंड का सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनिट लेट बिगेन ये फ्रंट पेज है द हिंदू का फ्रंट पेज की जो फर्स्ट न्यूज है दैट इज फार्मर प्रोटेस्ट रिफॉर्म्स हैिटी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है दिस इज द न्यूज चाइना नोड फॉर डाउन स्ट्रीम डैम्स ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर इसका डिटेल्स पेज नंबर टेन पे भी है क्लब करते हैं दोनों को एक साथ तो दिस इज द न्यूज चाइना नॉट फॉर डाउन स्ट्रीम डैम ऑन ब्रह्मपुत्र बना रहा है ये एक नया फेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होगा रिवर का विथ पोटेंशियल रैमिफिकेशन होंगे इंडिया के लिए रैमिफिकेशन आई एम थिंकिंग ये जो पहले हम करते थे वोकेबुलरी द हिंदू का वीडियो के स्टार्ट में उसको फिर से रिस्टार्ट करते हैं कल से अपन ये स्टार्ट करते हैं ठीक है रैमिफिकेशन रैमिफिकेशन फॉर इंडिया होगा मतलब इसके कॉन्सिक्वेंस होंगे इंडिया को इसके नतीजे झेलने पड़ सकते हैं पोटेंशियल रेमिफिकेशन फॉर इंडिया सी कुछ दिन पहले मैपिंग में हमने ये ब्रह्मपुत्र रिवर देखा था इंडिया में आती है ये रिवर फिर यहाँ जब प्लेन में आती है तो फिर इसका नाम आता है ये ब्रह्मपुत्रा और ये ब्रह्मपुत्रा बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फीचर है एंटायर नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसके डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट्रीब्यूटरीज हैं ट्रिब्यूटरीज हैं ये डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्रा की अब ये जो रिवर होती है ये रिवर आ रही है अभी मानसरोवर का क्वेश्चन भी आप सॉल्व करना तो ये यहाँ से आ रही है चाइना से आ रही है फिर चाइना से यहाँ पर टुवर्ड्स दिस नॉर्थ ईस्ट में हमारे एक सिंटेक्शल बैंड है और ये सडनली साउथ की तरफ मूव करती है और फिर ये बहुत सारी स्ट्रीम्स एंड ऑल करके फाइनली ब्रह्मपुत्रा बनती है दिस प्लेन में अब चाइना क्या कर रहा है कि इस जो रिवर का सेक्शन है चाइना में यहाँ पर वो डैम्स बनाने की बात कर रहा है तो अभी तक जो डैम बने थे वो अपर और मिडिल स्ट्रीम में थे अब वो डाउन स्ट्रीम पर भी नया डैम बना रहा है प्रोजेक्ट मार्क्स अ न्यू फेज़ इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिवर दिस रिवर और इसके पोटेंशियल रेमिफिकेशन हो सकते हैं इंडिया में तो पहला जो डाउन स्ट्रीम डैम है लोअर रीचेज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर और चाइना में ब्रह्मपुत्रा नहीं है वहाँ इसका नाम है यार्लंग जेंगबो एज इट इज नोन इन तिब्बत तिब्बत में है चाइना एडमिनिस्ट्रेड तिब्बत में है मार्किंग अ न्यू फेज इन चाइनाज हाइड्रो पावर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर क्या होता है जब भी पावर जनरेट करना है ना इलेक्ट्रिसिटी का तो देर इज अ टर्बाइन उस टर्बाइन को रोटेट करा रहा है ये टर्बाइन का रोटेट हम स्टीम से करा सकते हैं स्टीम मतलब कोल से कोल से हमने स्टीम बनाया वाटर को स्टीम और उससे टर्बाइन को रोटेट कराया हाइडल में क्या होता है हाइट से अगर पानी यहाँ पे गिर रहा है तो फिर अगेन रोटेशन पॉसिबल है तो ये होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स चाइना इन हाइड्रो पावर प्लांट्स का दिस पोटेंशियल रिवर का एक्सप्लॉइड करना चाहता है और उसका रेमिफिकेशन इंडिया में होगा 2021 से 2025 का ये फाइव ईयर प्लान है जिसमें उन्होंने डिटेल्ड प्रोसीजर्स बना लिए हैं चाइना ने 2015 में ऑपरेशनलाइज किया था हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैंगमू इन तिब्बत में तीन दूसरे डैम भी बनाए उसने डागू जीक्सू और जियाका ये भी डेवलप किया अपर और मिडिल रीचेज ऑफ द रिवर में बट अभी तक डाउन यहाँ पे उसने नहीं किया था तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम डाउन स्ट्रीम ऑफ लोअर रीचेज ऑफ ब्रह्मपुत्र में वो यहाँ पे डैम बनाने की कोशिश कर रहा है और अगर डैम बनेगा तो यूजअली डैम बनता है तो जो लोअर नीचे पार्ट ऑफ रिवर होता है वहाँ पे वाटर का शॉर्टेज भी आ सकता है ये डैम हुआ अगर वो सडन पानी रिलीज करेगा तो हमारे यहाँ फ्लडिंग टाइप सिचुएशन भी हो सकती है तो हम क्या होंगे वलनरेबल हो जाएंगे इसके रेमिफिकेशन हो सकते हैं चाइना जो अभी फिलहाल में फोकस कर रहा है रिन्यूएबल्स में रिन्यूएबल एनर्जी में कार्बन एमिशन जो है इंडस्ट्रीज व्हीकल्स पॉल्यूशन कार्बन एमिशन का पीक आएगा 2030 में सुपर पावर का स्टेटस चाहता है चाइना 2035 तक और कार्बन न्यूट्रल बनना चाहता है 2060 तक तो चाइना बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहा है चाइना के पास मनी भी है चाइना के पास दिमाग भी है और विल पावर भी है दिस मेक्स चाइना वेरी 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 वी शुड बी वेरी केयरफुल नाउ डैम्स आर नॉट लाइकली टू इम्पैक्ट द क्वान्टिटी ऑफ द ब्रह्मपुत्र फ्लो इन इंडिया बट इंडियन साइंटिस्ट ने फ़िलहाल के लिए ये बताया है कि इससे ब्रह्मपुत्रा के रिवर फ्लो पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए अगर चाइना यहाँ डैम भी बना लें ग्रेटली इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए क्यों बिकॉज ग्रेटली जो डैम बन रहे हैं वो स्टोरिंग ऑफ वाटर फॉर पावर जनरेशन होगा और जो सेकेंड थिंग है कि जो ब्रह्मपुत्र का पानी है ये जो स्ट्रेच है जहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर बन रही है ये एंटायरली डिपेंडेंट नहीं है दिस स्ट्रीम के फ्लो वाटर से जो उधर तिब्बत से आ रहा है बिकॉज इसका जो मैक्सिमम वाटर आता है वो उधर वैली से ही वो अक्वायर करती है तो चाइना पे डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा नहीं है तो हमें इतना ज़्यादा जो रिवर रिज्यूम होता है उसमें फ्लक्चुएशन नहीं आने चाहिए ये इंडिया ने बताया है एस्टिमेटेड थर्टी फाइव परसेंट ऑफ इट्स बेसिन इन इंडिया में ही है स्ट्रीम्स फ्लोज सो एंटायरली डिपेंडेंट नहीं है अपस्ट्रीम फ्लो में दिस इज़ द थिंग बट अगेन वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल चाइना यहाँ पर डैम्स बना रहा है दूसरी अक्सर बात हम बोलते हैं डैम्स का जो भी डेटा है उसको शेयर करो शेयर करो इंडिया के साथ जो डाउन स्ट्रीम यहाँ पे एरियाज हैं उनके साथ शेयर करो वरना क्या होता है सडन रिलीज ऑफ वाटर होता है और यहाँ पे फ्लडिंग आ जाती है तो दीज आर सर्टेन कंसर्न्स ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एवरी ईयर हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जोग्राफी है रिवर्स है तो ब्रह्मपुत्रा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं प्रिलिम्स में मेन्स में एवरीवेयर प्रिपेयर अ नोट ऑन द ब्रह्मपुत्र सिस्टम इसका कुछ दिन पहले हमने ये मैप भी पढ़ा था एनसीआरटी की क्लास इलेवंथ की ज्योग्राफी की बुक है इंडिया फिजिकल उसमें रिवर ड्रेनेज नाम का एक चैप्टर है उस चैप्टर को जस्ट रीड इट वंस रीड इट टू थ्री टाइम्स एवरी सिंगल क्वेश्चन जो आता है ना वो उस चैप्टर में इतना अच्छे से लिखा है वो सॉल्व हो जाएगा वहां से प्रिपेयर अ नोट ऑन द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डिस्कस इट्स जोग्राफिकल अब क्या क्या बताना है ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और सोशल सिग्निफिकेंस बताना है ज्योग्राफिकल ज्योग्राफी का क्या फीचर्स होगा पॉलिटिकल फीचर्स है इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड ऑल इकोनॉमिकल है और सोशल सिग्निफिकेंस भी है इस ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस इज चाइना दिस इज रेट्रो बॉलीवुड रैप्स श्रीनगर इन दिस ओल्ड चाम ये सिटी है फार्मर्स कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट एट दिस एरिया दीज एरियाज वन फोर्थ जो रियल एस्टेट यूनिट है गुरुग्राम में वो स्ट्रेस्ड है रियल एस्टेट मतलब ये बिल्डिंग्स फ्लैट्स ये सारे रियल एस्टेट है बिकॉज ऑफ दिस कोविड नाइनटीन लिक्विडिटी शॉर्टेज रियल एस्टेट सेक्टर काफी ज़्यादा एम्पर हुआ है कॉट ऑन द रोंग फुट ईडियम्स ईडियम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉट ऑन द रोंग फुट मतलब सडन स्ट्रिक्ट अगर इन्फोर्समेंट लगाएंगे कोविड नाइन्टीन का लोग अभी उसके लिए रेडी नहीं है इकोनॉमी ऑलरेडी हमारा काफ़ी डिप हुआ है डेटा इज़ नॉट गुड टेक्निकली हम रेसेशन में हैं तो ये जो एरिया है ये जो पॉइंट है फेज है दिस इज अगेन अ वेरी बिग डिफिकल्टी फॉर ऑल ऑफ अस कॉट ऑन द रोंग फुट बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट अभी भी ये कंप्लीट नहीं है मिजरीज कंटिन्यू कोविड नाइन्टीन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं विंटर इस बार बहुत ज़्यादा सीवियर होने वाली है सो कॉट ऑन द रोंग फुट 50 परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लाइज वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं डी के दिस इज एजुकेशन प्लस काफी अच्छे आर्टिकल्स आते हैं यहाँ पे एजुकेशन प्लस स्टे अहेड ऑफ़ द कर्व अगेन सी इडियम इंग्लिश में इडियम्स फ्रेजेज प्रोवर्ब्स ये काफ़ी ज्यादा यूज होते हैं इन पे एक अच्छी कमांड रखना जरूरी है स्टे अहेड ऑफ द कर्व मतलब आप जो बाकी लोग हैं बाकी कॉम्पिटिशन है उससे थोड़ा आगे हैं स्टे अहेड ऑफ द कर्व यू अर्ली स्टार्ट मिल गया है आपको स्टे अहेड ऑफ द कर्व ये आर्टिकल लिखा है एस गोपाल कृष्णन ने ये इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के हैं इन्होंने बताया है कि इंडिया को क्यों इतना एम्फेसाइज करना चाहिए साइंस में रिसर्च में ये क्रूशियल है नाउ देन एवर बिफोर कोविड नाइन्टीन ने इस बात को बहुत हाईलाइट कर दिया है कि साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन क्वेश्चन पूछना नए फ्लेक्सिबिलिटी होना ये जो वैल्यूज़ हैं ये जो एट्रीब्यूट्स हैं दीज एट्रीब्यूट्स आर गोइंग टू डिफाइन अवर फ्यूचर इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम इन पे ध्यान दें रिसर्च एंड इनोवेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब हम रिसर्च करते हैं इनोवेशन करते हैं तो दिस प्रिपेयर अस फॉर फ्यूचर प्रिपेयर अस फॉर फ्यूचर और हमें क्या ज़रूरत है जैसे स्टूडेंट्स को अगर हमें एनकरेज करना है यंग जनरेशन को किसी चीज़ में एनकरेज करना है प्रोग्रेस कराना है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है ना आप उनका इंटरेस्ट डेवलप कर दो एक बार आप उनका इंटरेस्ट डेवलप कर दो उनको पूरी चीज़ फैसिलिटेट कर दो एक एटमोसफियर प्रोवाइड कर दो इकोसिस्टम प्रोवाइड कर दो दे ऑटोमेटिकली स्टार्ट डूइंग वेल डेवलप इंटरेस्ट प्रोवाइड कंड्यूजिव एनवायरमेंट कोलेबोरेशन होना जरूरी है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज आना चाहिए बेस्ट प्रैक्टिस आना चाहिए और स्केल अप का भी प्रोविजन होना चाहिए ये नहीं कि थोड़ा ग्रोथ हुआ फिर प्लेटू हो गया और ये इंश्योर कराना चाहिए और साथ ही साथ आफ्टर अ पॉइंट वो इकोनॉमिकली फिजिबल भी होना चाहिए अदरवाइज़ उसको सस्टेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कॉस्ट इफ़ेक्टिव इंडिया बहुत स्मार्ट है इस मामले में जुगाड़ हम हर चीज़ में बहुत प्रूडेंट होते हैं कम पैसे में अच्छा काम करते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिव इकोनॉमिकल होना चाहिए दूसरी चीज़ है कि एक ट्रेंड बनाए हम अक्सर हमारे यहाँ जो आर एंड डी कर रहे हैं प्रोफेसर हैं या फिर साइंटिस्ट हैं ये मतलब इतना कूल cool नज़र नहीं आते हैं वी नीड टू मेक दैम कूल मेक इट कूल रिसर्च वर्कर्स हैं स्कॉलर्स हैं पी एच डी वर्कर हैं मेक इट कूल क्रिएट आइकन्स एंड रोल मॉडल्स बनाना जरूरी है सो दैट यहाँ पे इंटरेस्ट आए एफर्ट आए जो यंग और ब्राइट माइंड है वो यहाँ पे अपनी एनर्जी फोकस करे इफ दे गेट एंगेज इन दिस फील्ड ये फील्ड अपने आप ही डेवलप होने लग जाता है सो दिस इज द वे स्टे अ हेड ऑफ द कर्व एवरी सोसाइटी नीड्स टू एंश्योर दैट द वर्क ऑफ साइंटिस्ट रिसर्चर्स इसको रिकोगनाइज करें एनकरेज करें और रिवॉर्ड करें वरना अक्सर क्या होता है साइंटिस्ट लैब्स और इन सब में वो खो के रह जाते हैं इतना ज़्यादा ग्लैमर नहीं होता है कूलनेस वाला फैक्टर नहीं आता है तो जो यंग पीपल हैं वो इधर इतना अट्रैक्ट नहीं होते इस फील्ड में तो वी नीड टू एनकरेज दैम रिकोगगनाइज दैम रिवॉर्ड दैम वैक्सीनेशन में अभी इनका यूटिलिटी हमें समझ में आ गया है सो वी नीड टू डू दिस किंडल देअर क्यूरियोसिटी हमने एक और कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था चिल्ड्रन होते हैं यंग माइंड होते हैं उनमें क्यूरियोसिटी होती है वी नीड टू आंसर किंडल क्यूरियोसिटी कुक अप अटॉन्ग स्टडी इन दूके वर्चुअल टूअर दिस इज रीपिंग वर्ल्ड विंड रीपिंग वर्ल्ड विंड फार्मर्स नीड मोर देन वर्बल अश्योरेंस ऑन कॉन्टिन्यूंस ऑफ एमएसपी गारंटिड प्रोक्योरमेंट जो उनकी डिमांड है उसको एड्रेस करना जरूरी है ये एडिटोरियल आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस में एक एक्सप्लेन सेक्शन भी है हम दोनों को क्लब करते हैं रीपिंग द वर्ल्ड विंड सी फार्मर्स नीड मोर देन वर्बल अश्योरेंस ऑन कॉन्टीन्यूंस ऑफ एमएसपी एंड गारंटेड प्रोक्योरमेंट एग्रीकल्चर फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन एसेंशियल है हमारे देश सर्वाइवल के लिए एमएसपी सी सेंटर ने एग्रीवेट किया है इट्स ओरिजिनल मिस्टेक एग्रीवेट का मतलब और वर्जन कर दी है चीजें ओरिजिनल मिस्टेक जो गवर्नमेंट करती है ओरिजिनल मिस्टेक क्या होती है रश्ड वे में काम होता है रश्ड थ्रूइंग दीज लॉज विदाउट वाइड कंसल्टेशन पॉलिटिकल कंसेंसस बाय टेकिंग आ दिस कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड टूवर्ड्स क्रिटिक दिस इज वेरी कॉमन एंड वेरी बिग मिस्टेक ओरिजिनल मिस्टेक गवर्नमेंट क्या करती है इंटेंशंस अच्छे होते हैं बट आपने सबसे कंसल्ट नहीं किया आपने पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बनाया जो फियर्स हैं एप्रीहेंशंस हैं उसको एड्रेस नहीं किया तो अच्छे इंटेंशंस भी वर्कआउट नहीं करते हैं बैकफायर होते हैं दिस इज द थिंग और जो क्रिटिक्स हैं क्रिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा दिस कॉन्डिसेंडिंग एटीट्यूड इज़ नॉट राइट हम क्या करते हैं क्रिटिक्स को एकदम आउटराइटली रिजेक्ट करने लग जाते हैं तो दिस इज़ नॉट राइट वी शुड लिसन टू देम एज वेल सो गवर्नमेंट यहाँ पे दिस ओरिजिनल मिस्टेक यहाँ पे रिपीट हुआ फार्म बिल्स में एट द हार्ट ऑफ द फियर्स इज द पोटेंशियल एंड ऑफ द एम जो किसान है उनको डर है कि एमएसपी रिजीम चला जाएगा गारंटेड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट जो होता है प्रोड्यूस का वो चला जाएगा अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज हो रहा है इकोनॉमिक हार्डशिप्स है ऑलरेडी जो फार्मर कम्युनिटी है वो हार्डशिप्स एंड बर्न फेस कर रही है इसमें अगर एम और गारंटेड प्रोक्योरमेंट जैसे प्रोविजन भी चले जाएंगे तो ऑलरेडी एप्रीहेंशन है और ये एप्रीहेंशन भी फिर क्या होते हैं वर्जन हो जाते हैं एग्रीवेट हो जाते हैं द न्यू लीगल आर्किटेक्चर अलाउज फार्मर मोर चॉइस नाउ दिस इज द थिंग रिफॉर्म्स ना ज़रूरी थे रिफॉर्म्स वर नेसेसरी इन एग्रीकल्चर फार्मर्स को ज़्यादा चॉइस दिया गया सेलिंग देयर प्रोड्यूस बट तरीका क्या है इन थ्योरी तो वो चीज़ अच्छी लग रही है बट वो प्रैक्टिकल हो पाएगी या नहीं इन थ्योरी नेशनल मार्केट बनाया इंट्रोड्यूस बनाए एक ई e मार्केट बनाएंगे कहीं पे भी आप सेल कर सकते हो दिस लुक्स गुड इन थ्योरी बट प्रैक्टिकल फीजिबल होगा या नहीं होगा दिस इज द थिंग देन न्यू लॉज जो होंगे ये डिसमेंटल करेंगे एम को मंडी सिस्टम को फार्मर को डर लगा कि विल हैव लिटिल लीवे इन कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट बायर्स लीवे मतलब उनका फ्रीडम थोड़ा उनका जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा लीवे सपोर्ट नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट विथ प्राइवेट बयर्स बिकॉज प्राइवेट बयर्स के पास बैटरी ऑफ लॉयर्स है एक्सपर्ट्स है ये एक्सप्लाइटेशन कर सकते हैं स्मॉल फार्मर्स का फिर एंड ऑफ मोनोपोली मार्केट होगा तो थियोरेटिकली तो इससे एफिशियसी आएगी बट प्रोक्योरमेंट एप एमएसपी हैज़ बिन बैकबोन ऑफ इंडियाज फूड सिक्योरिटी एडिफिस जो प्रोक्योरमेंट होता था एमएसपी में मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे ये बैकबोन रहा है फूड सिक्योरिटी एडिफिस का बिकॉज वी शुड नॉट फॉरगेट कपल ऑफ डेकेट्स बैक हम फूड में सस्टेन नहीं कर पाते थे हम इंडिपेंडेंट नहीं थे इम्पोर्ट करना पड़ता था हमें फूड ग्रीनस सो ये जो एम है ये बैकबोन रहा है इंडियाज फूड सिक्योरिटी एडिफिस सी जैसे फार्म बिल कल हमने पढ़ा था तीन बिल थे मेन जो बिल में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना वो दिस एम एस पी एंड मंडी में हो रहा है दिस इज द थिंग लूप होल्स हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम में केस फॉर रिफॉर्म्स है सी रिफॉर्म्स के अगेंस्ट नहीं है इंटेंशन आर गुड बट रेल रोडिंग आर राफ्ट ऑफ मेजर्स कैन नॉट बी द वे फॉरवर्ड ये फोर्स नहीं हो सकते हैं टेक एवरी स्टेक होल्डर इन टू कॉन्फिडेंस तो ये एक मतलब सजेशन भी है जो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम सोच सकते हैं अगर हमें कोई वर्क करना है सोल्यूशन फाइंड करना है कि दिस इज द वे टू वर्क दिस इज द वे टू एडमिनिस्टर कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए एप्रीहेंशंस हैं जो डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करें अदरवाइज क्या होता है बैक ये बैक back, फायर कर जाते हैं इवन गुड इंटेंशन बैक फायर करते हैं अब फार्मर्स एक और चीज़ पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल भी है तो उनको लग रहा है जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू नहीं होगा ये इसकी भी एक डिमांड है बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है तीनों जो बिल आए हैं कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल कमोडिटी का और इस फार्म बिल का सेल का तो जो मेन ऑब्जेक्शन आ रहा है वो आ रहा है दिस एम और दिस मंडी सिस्टम इस चीज़ को क्विकली एड्रेस करना जरूरी है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करें प्रोड्यूसर्स का और कंज्यूमर्स का अब सी एप्रीहेंशंस ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अनफाउंडेड एप्रीहेंशन ऑफ द फार्मर्स आर नॉट अनफाउंडेड द ऑनर्स इज ऑन द गवर्नमेंट टू विन देयर कॉन्फिडेंस ना सी ये जो पूरा एडिटोरियल है ना इसका लैंग्वेज बहुत रिफाइंड refine है रिफाइंड इन देंस योर कॉन्टेक्स में यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम प्रिपेयरिंग फॉर सर्टन पोस्ट उस पोस्ट का भी एक डिग्निटी होता है द वे ऑफ राइटिंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन होते हैं उसमें ये जो लैंग्वेज है ना दिस इज रियली गुड रीपिंग द वर्ल्ड वाइंड जो टेक लिया है ना दिस इज रियली गुड तो इस एडिटोरियल को एक बार आप फिर से पढ़ना लैंग्वेज इज वेरी नाइस अप्रोच इज गुड रीपिंग द वर्ल्ड वाइंड फोर्थ हिस्टोरिक रेसेशन हिस्टोरिक रेसेशन इसमें इंडियाज इकोनॉमी पे बात है हमें डिमांड की जरूरत है कल माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर फाइव हमने पढ़ा डिमांड रॉबस्ट डिमांड की ज़रूरत है वरना क्या हो रहा है इकोनमी में दिस ग्रोथ एवेन्यूज नहीं आ पाते हैं रॉब्स डिमांड चाहिए जो स्टिमुलेट करे अवॉइड अ प्रोट्रेक्टेड स्लम ग्रोथ करने के लिए सरकार के पास दो तरीके थे ग्रोथ डिमांड्स पर करने के लिए एक तरीका था कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाए दूसरा तरीका था कि टैक्स में कट करें ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े कल हमने ये पढ़ा इकोनॉमिक्स में अब सरकार अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ाएगी तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है इन कम्पेरिजन टू टैक्स कट तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन दिस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एन एस ओ का डेटा आया क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के नंबर आए टेक्निकली हम रेसेशन में टेक्निकल रेसेशन मतलब लगातार दो क्वार्टर में अगर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो वो टेक्निकली रेसेशन कहा जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिशन और एक्सपेंडिचर साइड में डिसकम्फर्ट है अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है सेकेंड रेवेन्यू कम हो रहा है बिकॉज और जो सेकेंड चीज़ है वो है एप्रीहेंशन तो लोग पैसे खर्च करने में बच रहे हैं दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल तो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है और इससे क्या होता है अगेन विशियस साइकिल चालू हो जाता है तो इससे पुल आउट करने के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना चाहिए वो ही एक बुलवर्क होगा बुलवर्क मतलब दिस है जो प्रोटेक्ट कर रहा है अंदर की चीजों को बुलवर्क मैन्युफैक्चरिंग में फिलहाल के लिए अपटे आया था बट यह अपटेक भी ना एक्चुअल में चीजें नहीं बता रहा है पैराडॉक्स हो सकता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में अपटेक आया अभी जो डेटा आया एनएसओ का ये अपटिक इसलिए भी लग रहा है बिकॉज इसको कंपैरिजन कर रहे हैं हम प्रीवियस ईयर में ये ईयर ऑन ईयर के बेसिस में कंपैरिजन होता है प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो लास्ट ईयर बहुत ख़राब नंबर आए थे इस बार भी खराब आए बट पहले से थोड़े बेटर आए तो हम सोचेंगे हमने बेटर परफॉर्म किया है लास्ट ईयर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था तो बेस ईयर इफेक्ट आ रहा है यहाँ पर बेस इफेक्ट आ रहा है बेस लोअर था लास्ट ईयर बहुत परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इस बार भी अच्छा नहीं बट पहले से अच्छा है इन्वेंट्री री स्टॉकिंग इज ऑल्सो वन थिंग जैसे पेंटअप डिमांड था बहुत टाइम से लॉकडाउन एंड ऑल तो इन्वेंट्री री स्टॉकिंग के कारण भी मैन्युफैक्चरिंग अपटिक है बट ये दोनों चीज़ें ना ट्रांजियंट है एक्चुअल पिक्चर नहीं दिखा रही है demand, ये द इकोनॉमी अर्जेंटली नीड्स अ रॉबोस डिमांड स्टूमुलस प्रोट्रेक्टेड स्लम्प इज टू बी प्रिवेंटेड अदरवाइज ये स्लम्प कॉन्टिन्यूसली जाएगा गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जरूरत है स्टोरिक रेसेशन अब एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे तो डेफिसिट आएगा कल हमने एफ आर बी एम भी समझा तो डेफिसिट आएगा डेफिसिट आएगा तो डेफिसिट को फाइनेंस करना पड़ेगा डेफिसिट फाइनेंस कर सकते हैं बोरो करके बोरो कर सकते हैं या तो पब्लिक से करें या फिर आरबीआई से करें या फिर इंटरनेशनल बोरोंग करें या फिर डेफिसिट को आप प्रिंट कर दो प्रिंटिंग मनी कर दो बट ये सारी चीज़ें के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं बिकॉज अगर बोरो कर रहे हैं तो ये जो जिम्मेदारी है अपने फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन कर दिया है सो देर आर सो मैनी थिंगस हिस्टोरिक रेसेशन है गवर्नमेंट नीड्स टू फाइंड इक्विलिब्रियम एंड डू इट क्विकली अदरवाइज टाइम पे किया हुआ काम बेटर होता है हिस्टोरिक रेसेशन इंडिया बहुत तेजी से इस पे फंसता जा रहा है सो गवर्नमेंट नीड्स टू स्टेप अप दिस इज द फिफ्थ वन क्लियर द फॉग ड्रॉ अप अ क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी सी ये हमारा पेट टॉपिक है इस पर हम रोज ही बात करते हैं वैक्सीनेशन पॉलिसी पर वैक्सीनेशन का आइडियल वैक्सीनेशन का कैंडिडेट क्या होता है हमें पता है कि उसके डोजेज क्या होने चाहिए एफिकेसी क्या होना चाहिए कॉस्ट क्या होना चाहिए स्टोरेज क्या होना चाहिए लॉजिस्टिक्स क्या होना चाहिए ये उसको आइडियल कैंडिडेट बनाएगा सेकेंड जो चीज़ आता है वो होता है डिलीवरी डिलीवरी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी होता है अगर हम इपिडोमोलॉजी देखें तो जो कॉमन वर्ड है वो होता है डेलिबरेट रिडक्शन ऑफ डिसीज फ्रिक्वेंसी टू अ डिजायर्ड लेवल वैलिडेटेड विद एविडेंस तब हम कहेंगे कि वो वैक्सीनेशन ने काम किया है हमने कंट्रोल किया है डिसीज़ को डिसीज़ की फ्रिक्वेंसी में कम हुआ है और वो वैलिडेटेड विद एविडेंस भी होगा तब फिर वो डिसीज़ का हमने कंट्रोल किया है अब कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं एक होता है प्रिवेंशन दूसरा होता है एलिमिनेशन प्रिवेंशन मतलब हम कोविड होने नहीं दे रहे हैं एलिमिनेशन मतलब दिस जो है वायरस है वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो गया है वैक्सीनेशन में हम क्या पॉलिसी फॉलो करेंगे यहाँ अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जैसे स्मॉल पॉक्स में हमने क्या लिया कैटल प्लेग में क्या लिया सार्स में हमने क्या प्रोविजन लिए फिर एलिमिनेशन पे हमें फोकस करना चाहिए या फोरनाओ हम प्रिवेंशन में करें हर्ड इम्यूनिटी को स्टॉप करें मीजल्स वैक्सीन में हमने क्या अप्रोच लिया था मम्स रूबेला वैक्सीन वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं इंडिया में कौन सा बेटर रहेगा तो ये बहुत सारी चॉइसेस हैं जो गवर्नमेंट को अभी करने पड़ेंगे चॉइसेस मतलब डिसीजंस सेकेंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी इसमें भी हमने कुछ गाइडलाइंस लिखा है कि जो फ्रंटलाइन स्टाफ है उसको पहले देंगे जो एल्डरली हैं या को है उनको वैक्सीनेशन पहले देंगे बट इसमें एक क्लियर कट पॉलिसी होना ज़रूरी है कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी रिक्वायर्ड वैक्सीन कैंडिडेट कौन सा होगा कैसे होगा प्रोक्योरमेंट क्या होगा लॉजिस्टिक्स कैसे रखेंगे कॉस्ट बर्डन किस पे आएगा वैक्सीनेशन की कॉस्ट है उसका पैसा कहाँ से आएगा प्रायोरिटी किसको देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करेगा बिकॉज दिस इज अर्कुलेंटर और स्टेट को सेम पेज में वर्क करना जरूरी होगा एडमिनिस्ट्रेशन तो ये सब चीजें हैं क्लियर द्रॉ अप अ क्लियर वैक्सीनेशन पॉलिसी नो सेकेंड आर्टिकल है दिस इज अबाउट सीजन फेज हुई द रिटर्न ऑफ अमेरिका रिटर्न ऑफ अमेरिका अमेरिका में जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांजेक्शन चालू कर दिया है जो बाइडेन मतलब वाइस प्रेसिडेंट थे ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में तो ओबामा का जो लिबरल इंटरनेशनलिस्ट है वो बाइडेन को बैकिंग कर रहे हैं बाइडेन को ज़्यादा वहाँ पे दिस सपोर्ट कर रहे हैं कि दिस ऐसा शुड बाइडेन शुड वर्क बाइडेन हो या ट्रम्प हो या ओबामा हो या बुश हो ये जो प्रेसिडेंट बदलते हैं ना तो यूएस में ऐसा देखा गया है बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है इंटरनेशनल दिस अप्रोच में जो यूएस की जो पॉलिसी होती है वो मोर लेस सेम होती है ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है तो ये डिफरेंस ऐसा कुछ आना नहीं चाहिए बाइडन के प्रेसिडेंट बनने से भी जो इंडिया मेजर डेजिग्नेशन है मेजर डिफेंस पार्टनर का वो कंटिन्यू रहेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव है जिससे अभी हमने लेमोआ बेका ये सब साइन किया था कंटिन्यू रहेगा इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आने नहीं चाहिए जो यूएस की पॉलिसी है चाइना में वो अब देखना पड़ेगा ट्रंप बहुत ज़्यादा दिस बैलजरेंट थे चाइना के लिए बाइडेन उसको कंटिन्यू करेंगे या नहीं दिस वी विल नीड टू सी और इंडिया के डोमेस्टिक इश्यूज में बाइडेन कितने वोकल रहेंगे या कितना इंटरफियर करना चाहेंगे दिस ऑल्सो वी विल नीड टू सी यूजअली अभी एक दो साल तक बाइडेन का फोकस इंडिया में रहेगा नहीं पहले इनकी दूसरी प्रायोरिटीज़ हैं खुद का यूएस एस इकोनॉमी कोविड नाइन्टीन क्लाइमेट एंड ट्रेड अनएम्प्लॉयमेंट बाइडन अभी मोरलेस यहाँ ऑक्युपाइड रहेंगे आफ्टर वन और टू ईयर फिर हमें देखना होगा इंडिया डोमेस्टिक क्या उनका अप्रोच होता है दर इज लॉट टू वर्क ऐसा यूजली देखा है ट्रंप भी आए थे तो पहले एक दो साल इतना ज्यादा इतना नहीं था इंडिया सिमिलरली ओबामा के टाइम पे भी तो लेटेस्ट थी वेट एंड वॉच द पेरिस अग्रीमेंट इज नो पेनेशिया पेनेशिया मतलब एक ऐसी चीज होती है जिसको कर लिया मतलब सब ठीक हो गया जैसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं ये एक किताब पढ़ लिया मतलब हंड्रेड परसेंट सेलेक्शन हुआ तो ऐसी चीज़ कुछ होती नहीं है ये किताब पढ़ा तो कोई गारंटी नहीं है हंड्रेड परसेंट सलेक्शन हो ये नहीं पढ़ा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मतलब तब भी सलेक्शन हो सकता है नो पैनेशिया पेनेशिया जैसी कोई चीज़ होती नहीं है पेरिस अग्रीमेंट भी कोई पेनेशिया नहीं है जो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा इट इज़ अ रिप्यूडिएशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पॉलिटर पे मस्ट पे ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में करंट अफेयर्स भी हम पढ़ते हैं ना तो हम सारी चीज़ पढ़ने लग जाते हैं जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए इंडिया का इंटरेस्ट क्या है इंडिया का क्या वहाँ पे प्रेजेंस फोकस है और कैसे हम वहाँ पे लिंक्ड हैं जो पेरिस एग्रीमेंट है पेरिस एग्रीमेंट में ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमन बट डिफरेंशिएट रेस्पॉन्सिबिलिटी और पॉलिटन मस्ट पे प्रिंसिपल सी इसका एक रिविजन करते हैं पेरिस अग्रीमेंट में ब्रॉडली बात हुआ कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको कम करें बिलो टू डिग्री सेंटीग्रेड करें वन पॉइंट फाइव हो जाएगा तो और अच्छी बात है लिमिट करें राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिजन से तो इसको कम करना है मतलब जी को कम करना पड़ेगा ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं जैसे हम पॉल्यूशन हो रहा है या फिर इंडस्ट्रीज हो रही है या फिर कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं इनसे ग्रीन हाउस गैस इमिजन होता है तो हम इनका यूजेज कम करें बट इज़ इट अ हॉक्स इज इट अ स्कैम बहुत सारी चीज़ें देखने में अलग होती है एक्चुअल में अलग होती है वो इन दी एंड स्कैम होते हैं रियो डिक्लेरेशन नाइनटीन नाइनटी टू में आया क्योटो प्रोटोकॉल नाइनटीन नाइनटी सेवन में आया स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस नाइनटीन सेवेंटी टू में थी इन द टाइम ऑफ रियो कॉन्फ्रेंस नाइनटीन नाइनटी टू मतलब हमने वर्कआउट करना चालू कर दिया था दिस क्लाइमेट कंजर्वेशन का कंजर्व प्लानट अर्थ बिकॉज जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ चीज़ें वर्जन हुई है क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो गया है सी क्लाइमेट चेंज ना एस सच कोई बुरी चीज़ नहीं है इट इज अ कम्प्लीटली नेचुरल थिंग अर्थ में क्लाइमेट चेंज होता रहा है प्लिस्टोसिन पीरियड था ऐसे पोक चेंज होती रही है बट ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक लेड क्लाइमेट चेंज से क्या होता है जो नेचुरल पेस ऑफ अर्थ है वो हमने स्पीड अप कर दिया है जो चीज़ हजार साल में होनी थी वो अब दस साल में हो रही है दिस इज द प्रॉब्लम कंजर्व प्लानिट अर्थ अब हिस्टोरिक कंसेंसस बना रियो में और हमने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया इसमें हमने एक फ्रेमवर्क रेडी किया कि हम कैसे फाइट करेंगे क्लाइमेट चेंज को क्या मेजर्स लेंगे ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे ताकि डेवलपमेंट भी बना रहे और हमारा क्लाइमेट भी प्रोटेक्टेड रहे और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आए तो जो डेवलप्ड कंट्री है उन पर ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज हैं अंडर डेवलप्ड है, है इनमें कम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ आनी चाहिए जो जितना केपेबल होता है लाइफ में भी बोलते हैं ना जितना आप केपेबल हो लाइफ उतना ही आप पे चैलेंज थ्रो करती है डिपेंडिंग अपॉन योर दिस स्टेटस तो डेवलप्ड बिकॉज ज्यादा केपेबल है तो इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी डेवलपिंग ही कम होनी चाहिए अंडर डेवलप्ड की और कम होनी चाहिए तो कॉमन बट डिफरेंशिएटरेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है क्लाइमेट को कंजर्व करना कॉमन है ये बट लेवल अलग होना चाहिए यूएस का लेवल अलग होगा इंडिया का अलग होगा अफ्रीका के किसी नेशन का अलग होगा कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी अब फिर क्योटो इतना फिर वर्कआउट नहीं होगा कॉपन हैगन अकॉर्ड आएगा और 2009 से ही हम पेरिस अग्रीमेंट की बात करने चालू कर देंगे 2015 आएगा इसमें भी आप यूएस और इनका देखो ना तो ये सबको बोलते हैं ये करना है ये करना है ये करना है, है। बट फिर खुद ही उधर से पुल आउट कर लेते हैं और बाकी सबको वो काम में लगा देते हैं ये यूएस का हैबिट रहा है तो ऑल पार्टीज एंड पुट फॉरवर्ड बेस्ट एफर्ट्स सबको बोला गया कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सबको बोला गया कि सभी बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के सब लोग आए और नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन दें मतलब सब अपने बता दें हम इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे दिस ग्रीन हाउस गैस इमिजन को कम करने के लिए तो इधर तो दिस कॉमन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हुआ इस दर हमने क्या किया सबको एक ही पेज पे ले आए नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ले लिया 2015 पेरिस पंद्रह अग्रीमेंट इंडिया ने भी बताया कि हम इतना रिड्यूस करेंगे ग्रीन हाउस गैसेज कंजम्पशन इतना करेंगे रिन्यूएबल लेवल्स इतने लाएंगे ग्रीन एनर्जी इतना लाएंगे तो सभी को हमने एक पेज पे लेके आ गए पेरिस अग्रमेंट रिक्वायर दैट ऑल कंट्रीज ऑल कंट्रीज चाहे वो रिच हो पुअर हो डेवलप्ड हो डेवलपिंग हो सभी स्लैश करेंगे ग्रीन हाउस गैस इमेजन नो दिस इज रॉन्ग कंट्री ए है कंट्री ने बहुत सारे दिस कार्बन एमिजन किया एनवायरमेंट डिग्रेडेशन के काम किए ग्रोथ कर लिया और अब जब ग्रोथ हो गया है तो ये बोलते हैं कार्बन एमिशन मत करो इंडिया कैसे करेगा इंडिया ने तो वो ग्रोथ किया नहीं है अभी इंडिया ने वो एक्सपीरियंस भी नहीं किया है तो दिस इज इनजस्टिस टू तो इंडिया दिस इज द प्रॉब्लम कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होना ज़रूरी है और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो एक पर्सन ए है इस पर्सन ए ने कुछ रॉन्ग डूइंग किया दूसरा पर्सन बी है इसने सब ठीक ठाक किया कुछ गड़बड़ नहीं किया बट जब पनिशमेंट की बात आती है तो ए को भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा बी को भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा तो ये तो बहुत गलत बात है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल होना चाहिए पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल जिसने मिस्टेक किया उसको पनिशमेंट दो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी हो और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो जिसने पॉल्यूशन किया है कंट्री ने कंपनी ने इंडस्ट्री ने उसपे पेनल्टी लगाओ और उससे आप पे करो ये नहीं कि आपने एक ब्लैंकेट सभी पे एक पेनल्टी लगा दिया नो सो दीज आर पेरिस अग्रीमेंट इज नो पेनेशिया दिस इज नो पेनेशिया इस पर पे भी अभी सवाल उठ रहे हैं इसको फिर से रिफाइन करना जरूरी है डायलॉग्स हो और डिसएडवांटेज में नहीं रहे हम तो इसमें प्रिपेयर अ नोट ऑन कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सी बी डी आर इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए एंड पॉलिटर पे प्रिंसिपल इस दोनों टॉपिक को आप प्रिपेयर करो सी बी डी आर एंड पी 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 पॉलिटर पे प्रिंसिपल अब जो नेक्स्ट है दैट इज अबाउट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म जर्नलिज्म कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे हम देख रहे हैं एथिकल नहीं है रेस्पॉन्सिबल नहीं है अकाउंटेबल नहीं है सेंसेशनलिज्म बहुत ज्यादा है और इट्स ऑल अबाउट व्यूवरशिप एंड दिस क्रिएट सेंसेशनलिज्म क्रिएट दिस ऑथेंटिसिटी इज मिसिंग द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म अब जर्नलिज्म में भी एक प्रॉब्लम आ रहा है जैसे चेंज हो रहा है दिस चीज़ें बदल रही है तेजी से तो सस्टेनेबल जो मॉडल है जैसे जो लेगेसी इंडस्ट्रियल लेगेसी जर्नलिस्टिक हाउसेज थे उन्होंने क्लोज कर दिया खुद को बिकॉज वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहे हैं ये हॉन्ट कर रहा है लेगेसी मीडिया का लेगेसी मतलब जो काफी टाइम से दिस चला हुआ आ रहा है हॉन्टिंग लेगेसी मीडिया जैसे प्रिंट मीडिया बहुत सफ, बहुत सफ़र कर रहा है हर्ट कर रहा है न्यू डिजिटल इनिशियेटिव तो ये नहीं कि लेगेसी मीडिया ही हॉन्ट हो रहा है नए डिजिटल इनिशियेटिव भी हेम्पर हो रहे हैं बिकॉज दिस इज द एज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन हमें ऐसा बताया जाता है कि ये सारी चीज़ पढ़ लो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है अब खुद देखो एक नया स्टूडेंट है उसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है और उसका टारगेट है कि वन ईयर में उसको सिविल सर्विसेज भी क्रैक करना है अब वो न्यूज भी इतना डिटेल में कवर कर लेगा एवरी सिंगल न्यूज़ भी कवर कर लेगा सारी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेगा देन ऑप्शनल सब्जेक्ट भी प्रिपेयर कर लेगा प्रलम्स मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड इतना सारा दिस इज नॉट पॉसिबल स्पेशली वन ईयर ऑफ टाइम में इट इज़ नॉट पॉसिबल प्लस मिस इन्फॉर्मेशन का ही एक नया दौर है इन्फॉर्मेशन मिल रहा है अच्छा करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो तो ठीक भी है बट मिस इन्फॉर्मेशन है चेंज्ड डायनेमिक्स हो रहे हैं कर्टेंस डाउन है सस्टेनेबिलिटी ऑफ जर्नलिज्म भी देर हैज़ टू बी थिंक जैसे द हिंदू अक्सर अपील करता है कि इफ़ यू सपोर्ट क्वालिटी जर्नलिज्म तो इसको वायबल बनाना पड़ेगा और इसके लिए द हिंदू जैसे कुछ चार्जेस भी मांगता है कई बार फीस मांगता है दस ई पेपर उसने फ्री नहीं रखा है वो दे चार्ज सर्टन फी बिकॉज उससे क्या होता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बनती है हर चीज़ का एक कॉस्ट होता है कॉस्ट होता है जैसे वर्कर्स हुए इन्वेस्टमेंट हुआ रिसर्च करना इसमें कॉस्ट लगता है तो सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है इनको बेटर बिजनेस मॉडल क्रिएट करने चाहिए वो ही इनका वे फॉरवर्ड होगा बिकॉज टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन जो हुआ है ना तो उसमें लेगेसी मीडिया है ना ये पुराने तरीक़ों से सस्टेन नहीं कर पाएगा इस नए जमाने में द पोलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म ये डेटा पॉइंट है रेसेशन का ये बड़ा अच्छा सेक्शन आता है इसमें डेटा बताया है कि हम रेसेशन में गए हैं लगातार दो क्वार्टर में टेक्निकल रेसेशन आ रहा है जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है कॉन्ट्रैक्टिंग एट अ स्लोवर रेट गवर्नमेंट ने कम पैसे खर्च किए इसको ज़्यादा करने चाहिए अभी आउट ऑफ द वुड्स नहीं है आउट ऑफ द वुड्स मतलब अभी खतरे से बाहर नहीं है अमंग द वर्स्ट इंडिया का यहाँ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है गोइंग इन टू रेसेशन ये अंडर वाइट कवर है सी द विंटर मैजिक व्यू है किब्बर विलेज है यहाँ स्नोफॉल हुआ है लाहुल स्पीति दिस संडे लाहुल स्पीति किस राज्य में है बताइए लाहुल स्पीति ऑन संडे किब्बर विलेज है वेरी ब्यूटिफुल अंडर वाइट कवर नाउ दिस इज द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ जर्नलिज्म एंड दिस इज अगेन एस आई आई कॉल्स आलिजेशन मैलिशियस नाउ दिस इज अगेन वन थिंग चार्ज प्रेस कर दो अब इसके ऊपर है कि वो उस चार्ज से कैसे बाहर निकल के आएगा ये भी एक नया ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है चाइना नॉट फॉर डाउनस्ट्रीम डैम ऑन ब्रह्मपुत्र देन दिस इज लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज ये जो भी शुगर खाते हैं ना इसको स्टॉप इट एंड सी द मैजिक ये जो व्हाइट क्रिस्टल होते हैं ना नॉट एट ऑल गुड शुगर ज्यादा होता है एजिंग क्विक होता है सॉल्ट ज्यादा होता है हाइपर टेंशन बढ़ता है दीज टू वाइट क्रिस्टल्स आर नॉट गुड लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डायबिटीज इन मैट्रोज अलार्मिंग स्टडी और डाइट तो ख़राब लेते ही है साथ ही साथ एक्सरसाइज नहीं करते वर्कआउट नहीं करते तो बॉडी कैसे रेस्पॉन्ड करेगी डू यू रिमेंबर द रेड रिबन रेड रिबन कल वर्ल्ड एड्स डे भी है को मेमोरेट करेंगे वर्ल्ड एड्स डे टुमारो इस पर हम एक बार फिर कल बात करेंगे इस पर वी प्रिपेयर्ड वन गुड टॉपिक नोट्स कल फिर से इस पर बात करते हैं डू यू रिमेंबर द रेड रिबन जो इसके केसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं पिछले कुछ टाइम में एंड हमने काफ़ी प्रोग्रेस भी किया है इसमें बट लॉट काफ़ी और करने की ज़रूरत है सीरियल्स फॉर ब्रेकफास्ट एंड कोऑपरेशन अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग कॉन्वर्जेशन विद सेल्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्वर्जेसन विद सेल्फ कोऑपरेशन अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग वाई वी मस्ट लव एंड केयर फॉर आवर ओन बॉडी खुद ही का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर कैसे काम चलेगा सो दिस इज ये मूवीज़ हैं लैंडमार्क मूवीज आई एंड दिस इज चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर नेपाल स्टॉप लीडरशिप बीजिंग इज एमिंग एट बोलस्टरिंग मिलिटरी कोऑपरेशन बीजिंग चाइना वेरी केयरफुल देन दिस इज ईरान ईरान फिर से बोल रहा है कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स करेंगे बिकॉज हमारे साइंटिस्ट का यहाँ पे दिस असैसिनेशन हुआ है तो यहाँ ईरान ने वार्निंग दिया है ट्रंप अब जाएंगे बिकॉज इनका जो केस है वो सस्टेन नहीं हो रहा है कोर्ट में इलेक्शन का फ्रॉड का लोनलीस्ट एलिफेंट हेड्स टू कम्बोडिया फ्राम पाक गोल्डन एग्डिस अगेन इम्पॉर्टेंट डोंट हार्म द गूज दैट ले इज द गोल्डन हैग हम ग्रीडी हो जाते हैं पेनी वाइज पाउंड डोंट हार्म द गूज दैट ले द गोल्डन हैग एग डिस इनवेस्टमेंट जो सरकार जैसे कर रही है एल आई सी का एंड ऑल ये सरकार को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू देते हैं सरकार नीड टू बी वेरी केयरफुल प्रजेंट टेंस है फ्यूचर अनसर्टेन है इमोशंस शुड नॉट कम एन सी जो बिजनेस होता है इकोनॉमिक्स होती है इमोशंस शुड नॉट कम इन द वे ऑफ अक्यूमुलेटिंग मनी इवन दो देर इज नो प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर और ये स्मिथ एंड मैक्सवेल इंडिया की बहुत पिटाई हो रही है ऑस्ट्रेलिया टूर में सो दिस इज द हिंदू अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में अमिट डिस डाइवेस्टमेंट प्लान पी एस यू लैग इन मार्केट रैली एफ पी आई शो लिटिल इंटरेस्ट अ वरी फॉर द मिनिस्ट्री ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूज़ है दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। बहुत सारी पैरेफरल नॉलेज मिलती है जैसे ये 90 फीट का इको ब्रिज है ये बना है दिस कलाडूगी नैनीताल हाईवे में ये रोड है और यहाँ पे ऐसे ब्रिज बना दिया यूजुअली क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं ये रोड्स हमने उनके घर पर बनाए और रोड बना दिया तो हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन हो गया अब एनिमल को यहाँ से यहाँ जाना है वो रोड क्रॉस करेगा इधर से व्हीकल आएगा एक्सीडेंट होगा तो कॉरिडोर्स बनाना ज़रूरी होता है यही एक एज सच कॉरिडोर बनाया है सी दिस इज द कॉरिडोर ये इको ब्रिज बनाया है नब्बे फिट का हाईवे में यूनिक ब्रिज है तो इससे जो रेप्टाइल्स हैं वो इजीली यहाँ पे एस एस से क्रॉस कर पाएंगे यहाँ पे दिस इज अगेन इनोवेटिव वे अब ये जैसे न्यूज टैंपलेट है ना आप इसको देखो कहीं आंसर में यूटिलाइज कर सकते हो जहां मौका मिले तुरंत इसको यूज कर लो इससे आंसर में यूनिकनेस आती है एंड इट विल लुक गुड उत्तराखंड यूनिक ब्रिज टू हेल्प रेप्टाइल्स क्रॉस बिजी जंगल रोड वरना जो पेपर चेक करता है ना उसका मेंटेलिटी कैसे होता है सब ने एक ही चीज़ लिखा हुआ है उसको सब रोबोट्स नज़र आते हैं सब एक ही कोचिंग में पढ़े हैं सब एक ही चीज लिखते हैं रोबोट्स नज़र आते हैं तो वो सबको फिर एक जैसे ही नंबर दे देता है तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड ओरिजिनल एंड यूज सच टाइप ऑफ टैंपलेट्स देन कोबरा ऑफिसर हैं दैन वॉट्स बिहाइंड द फोरकास्ट कोल्डर विंटर है स्टोर फॉर नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया आई एम डी ने बताया इस बार ठंड कुछ ज़्यादा ही होगी आई एम डी ने बोला रीज़न है ला नीना ये दो कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है ला नीना एंड अल नीनो एन सी आर टी में बेसिक्स पढ़ा था गिमी कपल ऑफ डेज टाइम इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे ला नीना एंड अल नीनो तो आई एम डी ने कहा इस बार ला नीना है अल नीनो होता है तो दिस वॉर्म वाटर आ जाता है ला नीना जस्ट अपोजिट है कोल्ड वाटर आ जाता है दिस यहाँ पे पेरूवियन कोस्ट में तो ला नीना कंडीशन वुड कंटिन्यू और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है जब ला नीना होता है तो इंडिया में मानसून ज़्यादा अच्छा आता है जब इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव होता है तो इंडिया में मानसून ज़्यादा अच्छा आता है अल नीनो होता है तो मानसून कम इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव है तो मानसून कम आई ने कहा ला नीना कंडीशन वुड कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द विंटर सीजन इससे लंबा और कोल्डर विंटर होगा सेवरल पार्ट्स ऑफ इंडिया विंटर इज कमिंग फार्मर्स बिग कंसर्न एंड वॉट गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट नाउ दिस इज दर्टिकल बिफोर दैट ये एडिटोरियल है ग्लिमर एंड टनल ऐसे लिखते हैं ना तो ऐसे हेडिंग्स डालनी चाहिए सब हेडिंग्स ग्लिमर एंड टनल इकोनॉमी आउटपेस्ड एक्सपेक्टेशन इन सेकंड क्वार्टर बट सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी होगा या नहीं होगा ये देखने वाली बात है वैक्सीनेशन का चैलेंज है दिस इज़ ऑनवर्ड्स एंड अपवर्ड सेकेंड क्वार्टर नंबर इकोनॉमी के जस्टिस ऑन ट्रायल की जरूरत है अर्जेंट रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं न्यू स्क्रिप्ट इन पाकिस्तान पाकिस्तान में यूजुअली जो मिलिट्री होती है ना उसको बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस माना जाता है और जो सिविल गवर्नमेंट है उसको इतना अच्छा माना नहीं जाता है बट अब मिलिट्री पर भी सवाल उठ रहे हैं और यहाँ की मिलिट्री भी बहुत अलग टाइप की मिलिट्री है ये बिजनेस भी करती है सारे काम करती है यहाँ की मिलिट्री क्रिटिसिजम ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिकल रैलीज इज़ अनप्रेसिडेंटेड अमेरिकाज कॉमन ग्राउंड हुज़ अ फ्रेंड ऑफ दिस जे एन यू एंड द वर्ल्ड देन दिस इज़ अबाउट अफगान सोल्जर्स इथियोपिया जो टिगरे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें ये बोल रहे हैं उन्होंने विक्ट्री ले लिया है देन दिस इज इकॉनमी इकॉनमी सेक्शन नई गाइडलाइंस कैब एग्रीगेटर्स फार्मर्स बिल ये काफ़ी अच्छा टेक दिया है इसमें फार्मर बिल का जो हमने अभी एडिटोरियल पर बात किया उसका कॉन्टिन्यूएशन है इसका भी मैं अभी पी डी बना के शेयर कर दूंगा वर्कलोड अब थोड़ा कम हो रहा है ऑफिस में कल से अपन वीडियोस भी जल्दी करेंगे सुबह मॉर्निंग में जल्दी वीडियोस लाने का और मैं एक्टिवली अब थोड़ा इसमें वर्क करता हूँ फार्मर्स बिग कंसर्न एंड व्हाट गवर्नमेंट कुड नेगोशिएट ओके सो दिस इज द थिंग गवर्नमेंट को नेगोशिएट करना है जो मेन प्रॉब्लम है ना वो दिस ए, दिस ए एंड दिस सेकेंड इज दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस द रोड टू मास वैक्सीनेशन है सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस ना लेट अस कम टू द मैप हम रोज एक मैप देख रहे हैं सारे स्टेट्स कवर करेंगे हम अब आज नंबर आया है नागालैंड का ये नागालैंड है कल हमने अरुणाचल देखा था नागालैंड का एक बॉर्डर तो असम है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट है ना वो असम से बॉर्डर शेयर करेंगे ही करेंगे और नागालैंड के नीचे आता है मणिपुर नाग मणि नागालैंड के नीचे यहाँ पे मणिपुर और यहाँ ऊपर था अरुणाचल प्रदेश और इंटरनेशनल बॉर्डर आती है म्यांमार के साथ मतलब बर्मा ये म्यांमार है ये मणिपुर है ये अरुणाचल है ये असम है तो ये उसके आसपास के दिस स्टेट और इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया एक बार सवाल आया था कि हम जैसे कोहिमा में हैं नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा है कोहिमा से आपको आना है कोट्टायम वेर इज कोट्टायम यू शुड नो इसीलिए स्टेट बॉर्डर एंड ऑल इंपॉर्टेंट है अब इस सवाल का जवाब दो कोहिमा से आपको आना है कोट्टायम कोट्टायम कहाँ पर है यू शुड नो कोहिमा टू तो कोट्टायम आएंगे बाय रोड आना है तो मिनिमम कितने स्टेट्स क्रॉस करने पड़ेंगे मिनिमम मतलब शॉर्टेस्ट रूट आपको फाइंड करना है मिनिमम कितने स्टेट्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे अगर आप कोहिमा से कोटायम आना चाहते हैं आंसर दिस क्वेश्चन सो दिस इज कोहिमा ओके ये इसके स्टेट्स हैं ये पूरा नागालैंड है यहाँ पे अगर अपन जोग्राफिकल मैप भी देख लें क्विकली तो ये इंतांकी नेशनल पार्क है यहाँ पे सी दिस इज इंतांकी नेशनल पार्क ये डोया डैम रिजर्वायर है ये दीमापुर है इधर देन दिस इज ट्वेंसेंग और ये है दिस नागालैंड नागालैंड पटकाई बम दिस इज अरुणाचल और यहाँ पे म्यांमार चालू हो जाएगा सो दिस इज द मैप ऑफ नागालैंड फार्मस बिग कंसर्न इसका मैं पी डी एफ शेयर करूंगा हैवर रीड जो कलेक्शन वाले पी डी एफ होते हैं ना वो बड़े अच्छे होते हैं उनका हमें रिविजन भी करना है ये उत्तराखंड है दिस नया इको ब्रिज बनाया है एक्सेलेंट विंटर्स कोल्ड होगी लानीना अल निनो गोल्डन एग ट है, है और ये बात है रीपिंग द वर्ल्ड वाइंड इसका भी मैं पी डी एफ शेयर करूंगा बड़ी अच्छी लैंग्वेज लिखी है इसमें रिफाइंड है एकदम देन दिस इज स्टे अहेड ऑफ द करव ये बात है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज ही इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम सो दिस इज़ 30th ऑफ नवंबर 2020 डे 335 बस अब एक मंथ दिसंबर कल से स्टार्ट हो जाएगा नवंबर इज आल्सो गॉन और फिर हमारा ईयर कंप्लीट होगा 30th ऑफ नवंबर ट्वेंटी सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ